हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम लोग फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आज हम लोग एक नया चीज स्टार्ट करेंगे फीचर इंजीनियरिंग में इट्स कॉल्ड एनकोडिंग न्यूमेरिकल डेटा या इनकोडिंग न्यूमेरिकल फीचर्स ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सो गाइज हमने कुछ दिन पहले uh, सीखा था हाउ टू इनकोड अ गिवन कैटेगोरिकल वेरिएबल आज हम उसका एक दूसरा वेरिएशन देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल डेटा को कैसे इनकोड करना है मतलब अगर आपके पास एक डेटा है लेट्स से एज और एज में अलग-अलग वैल्यूज -अलग हैं 27 28 39 एंड सो ऑन तो आप इसको प्रिसाइज़ली कैटेगोरिकल डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ठीक है नाउ यू माइट थिंक कि न्यूमेरिकल डेटा तो अच्छा होता है फिर न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगोरिकल डेटा में क्यों बदलना है सो ऑनेस्टली डिपेंड्स कभी-कभी ऐसी जरूरत आ जाती है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल डेटा है उससे बेटर रिप्रेजेंटेशन तब होगा जब वो डेटा कैटेगोरिकल होगा आई कैन गिव यूम्पल कुछ दिन पहले मैं एक छोटे से मशीन लर्निंग प्रॉब्लम पे काम कर रहा था और वहां पे गूगल प्ले स्टोर जहां से आप एप्स डाउनलोड करते हो उसका डेटा सेट था राइट right. अब वहां पे एक कॉलम था नंबर ऑफ डाउनलोड्स बोल के ठीक है अब नंबर ऑफ डाउनलोड्स जो अपना कॉलम था इसमें अजीब अजीब वैल्यूज थी मतलब जो कुछ बहुत कम फेमस एप्स थे उनमें इस तरह की वैल्यूज थी 23, जो कोई बहुत बड़े, अपने थे, उनमें दिस like ठीक है बहुत ज्यादा बड़ी ठीक है फिर कोई छोटी वैल्यू थी राइट right. तो ये जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत आपको हेल्प नहीं करेगा क्योंकि अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा मतलब बहुत सारे ऐप्स का डाउनलोड बहुत कम है और फिर कुछ ऐप्स का डाउनलोड बहुत ज्यादा है राइट तो यहां पर मैंने क्या किया था कि मैंने इस न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया था बाय क्रिएटिंग बिन्स मतलब हंड्रेड प्लस डाउनलोड्स ठीक है थाउजेंड प्लस डाउनलोड्स वन मिलियन प्लस डाउनलोड्स टेन के प्लस डाउनलोड्स वन बिलियन डाउनलोड्स ठीक है तो अब सडनली से जैसे मैंने ये किया उसके बाद मेरा जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम था वो थोड़ा इजी हो गया थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया और रिजल्ट्स भी बेटर आने लग गए तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ तो वेरी प्रॉब्लम स्पेसिफिक कि आपको कभी ऐसा करना पड़ सकता है कि आप अपने न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगोरिकल डेटा में कन्वर्ट करो ठीक है तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले देर आर टू फेमस टेक्निक्स न्यूमेरिकल को कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करने के लिए दो टेक्निक्स हैं

और यही दो टेक्निक्स हमें इस वीडियो में सीखने so, पहले मैं आपको binning, थोड़ा में आपको आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा अपने न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करने में ठीक है तो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन डिस्क्रिटाइजेशन और हम बोल सकते हैं इसको बिनिंग ठीक है सो so, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ क्योंकि सो या

कॉलम है जहाँ पे खूब सारी वैल्यूज है ट्वेंटी थ्री फोर्टी टू फिफ्टी सेवन एटी वन हंड्रेड राइट अब आपने बोला कि मुझे इसको डिस्क्रीट uh, में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे आप इसमें इंटरवल्स बना दोगे जीरो से टेन एक इंटरवल है जिसको आप बेन बोल सकते हो टेन टू ट्वेंटी दूसरा है जैसे हिस्टोग्राम काम करता है बिल्कुल वैसे ही ट्वेंटी एंड ऑन तो अब बस आप चेक कर कि 0 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज है फाइव

फायदा क्या होता है डिस्क्रिटाइजेशन को यूज करके बिनिंग करके क्या फायदा होता है दो फायदे होते हैं पहला ये होता है कि आप आउटलायर्स को थोड़ा बेटर हैंडल कर पाते हो कैसे मान लो यहां पर कोई एकदम लास्ट में कोई बंदा है जिसका एज बहुत ज्यादा है तो ऑबली आउटलायर है बट जैसे आप बिन बनाते हो तो आप मान लो आपका आखिरी बिन ये था तो आपकी यहां वाली वैल्यू और आपकी यहां वाली वैल्यू दोनों को बराबर मान रहे हो आप इस बिन के बराबर तो आपका आउटलायर इज नाउ सिमिलर टू दिस का जो एकदम शुरू में था उस बिन के तो आउटलायर्स को आप थोड़ा हैंडल कर पाते हो ठीक है दिस इज इज द द फर्स्ट रीजन रीजन टू वैल्यू स्प्रेड स्प्रेड मतलब ये जो डेटा का है अगर बीच में बहुत ज्यादा डेटा है तो आप उसको स्प्रेड कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा इसमें तीन टेक्निक हम पढ़ेंगे उसमें से एक टेक्निक यूज करके आप ये कर पाओगे यू विल बी एबल टू इंप्रूव वैल्यू स्प्रेड आप डेटा का स्प्रेड को थोड़ा यूनिफॉर्म कर पाओगे यही हमें करना है ठीक है अब लेट्स क्विकली डिस्कस की व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिटाइजेशन ठीक है तो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है डिस्क्रिटाइजेशन uh, या बिनिंग मैं एक एक करके लिखता हूं तो एक क्लास ऑफ बिनिंग होता है अनसुपरवाइज बिनिंग अनसुपरवाइज बिनिंग सेकेंड क्लास होता है सुपरवाइज बिनिंग और जो थर्ड होता है वो एक क्लास नहीं है वो एकदम अलग टाइप का है उसको बोलते हैं कस्टम बिनिंग ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ठीक है अब अनसुपरवाइज में आपके पास तीन टेक्निक्स होते हैं, एक होता है इक्वल विथ बिनिंग ठीक है इसको हम यूनिफॉर्म बिनिंग भी बोलते हैं ठीक है सेकेंड होता है इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग ठीक है इसको हम क्वांटाइल बिनिंग भी बोलते हैं और थर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं के मीन्स बिनिंग और इसको हम के मीन्स बिनिंग ही बोलते हैं ठीक है और सुपरवाइज में एक ही बिनिंग टेक्निक यूज होता है उसको बोलते हैं डिसीजन ट्री बिनिंग ठीक है सो so हम आज के वीडियो में इसको छोड़ करके बाकी सब पढ़ेंगे हम इक्वल विथ बिनिंग पढ़ेंगे इक्वल फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे के मीन्स वाला भी पढ़ेंगे और कस्टम बिनिंग भी पढ़ेंगे मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा ये क्यों क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको डिसिजन ट्री का समझ होना चाहिए मैं बाद में इसके बारे में कोई वीडियो बना दूंगा मोस्टली uh, जब आप बिनिंग करते हो तो आप यही चार टेक्निक्स में से कोई एक यूज करते हो ये थोड़ा रेयर है तो इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा इस वीडियो में आप खुद भी पढ़ सकते हो मतलब यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अबाउट दैम ठीक है सो ना लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट वन पहले वाले पे फोकस करते हैं दैट इज इक्वल विथ या फिर यूनिफॉर्म बिनिंग ठीक है अब यहाँ पे फंडा क्या है फंडा बहुत सिंपल है जो आपने अभी तक बिनिंग का डेफिनेशन पढ़ा आप एग्जैक्टली exactly वही यहाँ पे करते हो मान लो आपके पास एज बोल के डेटा है अलग अलग नंबर्स हैं अलग अलग नंबर्स हैं तो आप क्या करोगे आप सबसे पहले बताओगे खुद से आपको बताना पड़ता है कि आपको बिन्स कितने चाहिए कितने चाहिए लेट से आपने बोला मुझे टेन बिन्स चाहिए ठीक है ये बिन्स आपको डिसाइड करने पड़ते हैं आपने बोला 10 चाहिए, तो अब एक फॉर्मूला लगता है कि फॉर्मूला ये होता है मैक्स माइनस मिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिन्स अब मान लो आपका मैक्स वैल्यू हंड्रेड और आपका मिन वैल्यू जीरो नंबर ऑफ बिन्स टेन है तो होगा क्या कि आपका जो इंटरवल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे हंड्रेड माइनस जीरो इंटरवल्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे जीरो से लेके टेन ये आपका पहला इंटरवल या पहला बिन है उसके बाद दूसरा बनेगा टेन से लेके ट्वेंटी उसके बाद ट्वेंटी से लेके थर्टी एंड सो ऑन दीज आर योर बिन्स और ये टोटल मिला के कितने बिन्स हुए टेन बिन्स हुए अब आपको क्या करना है हर वैल्यू को उठाना है और क्वेश्चन करना है कि ये कौन से बिन में आएगा इस बिन में आएगा तो यहाँ पे वन आ गया ठीक है ये कौन से बिन में आएगा ये अगले वाले में आएगा यहाँ पे वन आ गया ये किस में आएगा ये यहाँ पे आएगा ठीक है फिफ्टी किस में आएगा ये बीच में कहीं पे आएगा और इस तरीके से आप हर जगह पे कितने uh, नंबर मतलब बेसिकली कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो आप लिख दोगे जैसे जीरो से टेन के बीच में पांच लोगों का एज है 10 से 20 के बीच में 16 लोगों का एज है ट्वेंटी से थर्टी के बीच में सेवन लोगों का एज है और नाइनटी से टेन के बीच में फाइव लोगों का एज है और फिर आप इसको प्लॉट कर सकते हो ये आपका पहला बिन का वैल्यू दूसरा बिन तीसरा बिन और लास्ट बिन और हर बिन में आपके पास हिस्टोग्राम में यू कैन प्लॉट द वैल्यूज लाइक दिस ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड इक्वल विथ क्योंकि अगर आप नोटिस करो आपका जो ये बिन है ये जो इंटरवल है सारे इंटरवल्स में सेम आपने विथ रखा है टेन का ठीक है तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इक्वल विथ बिनिंग ठीक है या फिर इसको यूनिफॉर्म भी बोलते हैं यहाँ पे मैंने दिखा रखा है मैंने कोड लिख रखा था पहले से जैसे कि एज फोर्टी थ्री है मान लो एज फोर्टी थ्री है तो ये फिफ्थ वाले बिन में आया जैसे ये फर्स्ट बिन है ये सेकंड बिन है ये थर्ड बिन है इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ बिन में आया और ये रहा उसका रेंज 40 से लेके 48 तक ठीक है 44 वाला भी उसी में आया, 15 वाला first वाले में बस वही आप कर रहे हो अब इस तरह के बिनिंग में क्या होता है कि आपका पहला फायदा ये होता है कि आउटलायर्स थोड़े से हैंडल हो जाते हैं लास्ट वाला जो डेटा है वो आखिरी बिन में आ जाता है तो बाकी सबकी तरह ट्रीट होता है सेकेंड यहाँ पे जो आपका स्प्रेड ऑफ डेटा है वो चेंज नहीं होता जैसे मान लो आपका स्प्रेड ये था तो आप हिस्टोग्राम जब बनाते हो तो हिस्टोग्राम भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है तो स्प्रेड में कोई चेंज नहीं होता नो चेंज इन स्प्रेड ऑफ द डेटा डेटा जिस तरीके से फैला हुआ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता ठीक है तो आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए आप ये वाला बिनिंग टेक्निक यूज कर सकते हो ठीक है तो यहां पे इतना ही पढ़ना था दिस इज यूनिफॉर्म बिनिंग So या फिर आप क्या करते हो कि जब आपको फिर से बताना पड़ता है कि आपको कितने बिन्स चाहिए जैसे फिर से, से आपने बोला मुझे टेन बिन्स चाहिए ठीक है अब यहाँ पे क्या करोगे आप जितने आपको इंटरवल्स या बिन्स चाहिए आप उतने ही क्वांटाइल्स के ऊपर काम करते हो आई होप आपको क्वांटाइल्स पता है ठीक है सो so, इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस डेटा के ऊपर 10 इंटरवल्स चाहिए तो ईच इंटरवल विल कंटेन 10 परसेंट ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन सिंपल है मतलब आप जीरो से स्टार्ट करके उस एज तक जाओगे जहां पर आपका टेंथ परसेंटाइल वैल्यू है ठीक है मान लो वो वैल्यू आया 16। इसका मतलब क्या हुआ जीरो से सिक्सटीन के बीच में 10% ऑफ द पॉपुलेशन रेसिड्स 10% लोगों का एज 0 से 16 के बीच में फिर आप 16 से उस एज तक जाओगे जहां पर आपको 20th परसेंटाइल मिलेगा मान लो कि 20 पे मिला तो 16 से 20 के बीच में आपका मतलब 0 से 20 के बीच में अब 20% ऑफ द पॉपुलेशन लाइज फिर से एक और देखते हैं फिर आप 20 से उस नंबर पे जाओगे जहां पे आपका 30थ परसेंटाइल होगा जैसे इस केस में इट इज 22 तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 22 तक आपका 30% पॉपुलेशन रहता है एंड सो ऑन और इस तरीके से आप 10 इंटरवल्स क्रिएट करोगे या 10 क्वांटाइल्स क्रिएट कर दोगे ठीक है अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है गाइस कि आपका हर इंटरवल का जो विड्थ है वो बराबर नहीं है जैसा अगर आपको याद होगा इक्वल विड्थ में क्या हो रहा था 10 0 से 10 टेन से ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी से थर्टी टेन का था। यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइल बिनिंग एंड ऑनेस्टली ये थोड़ा ज्यादा यूज होता है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन उसके दो रीजंस हैं पहला ये पिछले वाले की तरह आउटलायर्स पे अच्छा काम करता है और सेकंड ये आपके स्प्रेड को वैल्यू स्प्रेड को यूनिफॉर्म बनाता है मतलब जब आप इसका रिजल्ट देखोगे तो सिंस हर इंटरवल में लगभग बराबर आइटम्स आते हैं तो आपका ये हिस्टोग्राम थोड़ा ऐसा दिखाई देता है इस तरीके का एकदम बराबर सा ठीक है तो ये आपका वैल्यू स्प्रेड को यूनिफॉर्म बनाता है ठीक है तो ये दोनों बेनिफिट्स हैं फर्स्ट आउटलायर हैंडल कर रहा है

सो so, मतलब मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन बताता हूं कि अगर आपका डेटा कुछ ऐसा है तो ये एल्गोरिदम क्या करेगा ये क्लस्टर्स फॉर्म कर देगा ऑटोमेटिकली अब आप बोलोगे तो मुझे दिख रहा है तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप टू में हो बट आपका डेटा टेन में भी हो सकता है तो इस एलगोरिदम की खासियत क्या है कि ये 10D में भी 25D में भी एन डी में भी क्लस्टर्स बना के आपको दे देता है ठीक है तो यही सेम एल्गोरिदम को यूज किया जाता है एज अ थर्द टेक्निक फॉर कैसे, uh, कैसे होता है आप ये जान लो क्लस्टर्स में फैला हुआ दूसरे लोगों का एज है फिर थोड़े दूर के बाद दूसरे लोगों का एज है यहाँ पर सी हमारा डेटा क्लस्टर्स में है देख लो क्लस्टर्स में मतलब इतने दूर में कोई वैल्यू नहीं है फिर इतनी दूर में कोई वैल्यू नहीं है अगर इस तरह का डेटा आपको मिलता है तो आपका K means ज्यादा बढ़िया काम करेगा अदरवाइज बाकी दोनों से आप अपना काम चला सकते हो ठीक है अब देखो, पे पे आप करते क्या हो? कि आपने, say, कि आपने तो से बोला बोला मुझे या चाहिए, ठीक है? है, तो को जाता इस एल्गोरिजम के नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसको सेंट्रॉइड बोला जाता है तो आप क्या करते हो आप रैंडमली कहीं पे भी वो इंटरवल्स क्रिएट करते हो तो कहीं पे भी कोई लॉजिक नहीं है कहीं भी आपने पांच क्रिएट कर दी। अब आप क्या करोगे हर दो इंटरवल्स के को बाइसे करता हुआ एक लाइन बना दोगे जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया ये देखो। ये ये actually, ये देखो जो जो ब्लैक लाइंस हैं एक्चुअली डायग्राम मैंने जहां से उठाया है उन लोगों ने बाइसेकट करने वाला टेक्निक यूज नहीं किया है चलो ठीक है मैं आपको दूसरा टेक्निक बताता हूँ जो इन लोगों ने यूज किया है फालतू में आप कंफ्यूज हो गए सो आप क्या करते हो आप हर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो जैसे अगर आप इस पॉइंट का बात करो ये फर्स्ट वाले पॉइंट का बात करो तो आप हर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो हर सेंट्रोइड के साथ ऐसा आप हर पॉइंट के लिए करते हो और फिर जो पॉइंट जिस सेंट्रोइड के पास होता है आप उसको उस क्लस्टर में मान लेते हो जैसा कि यहाँ पे देखो इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इस सेंट्रोइड से नियरेस्ट था तो इसीलिए ये सब येलो लेबल हो गए या फिर येलो क्लस्टर में आ गए ये सारे ऑरेंज क्लस्टर में आ गए ये सारे ब्लैक क्लस्टर में आ गए ये व्हाइट और ये गोल्डन क्लस्टर में आ गए ठीक है एक सेकेंड टेक्निक ये हो सकता था कि आप दो क्लस्टर के बीच में एक बाइसेक्शन कर देते बाइसेक्शन के इस तरफ सब कुछ इस क्लस्टर में और इस तरफ सब कुछ इस क्लस्टर में बट मैंने आपको पहला टेक्निक बता दिया आप सबसे डिस्टेंस निकालते हो और फिर आप डिसाइड करते हो कि एक गिवन पॉइंट कौन से क्लस्टर के क्लोजेस्ट है जिस भी कौन से सेंट्रोइड के, के, तो के क्लोजेस्ट आप इस सेंट्रोइड को मूव करते हो सेंट्रोइड को मूव करने का मतलब क्या है यहां पे देखो मैंने कैसे मूव किया ये जो था सेंट्रोइड मूव करने का मतलब हुआ कि आप इन तीनों के मीन से Uh, मतलब बेसिकली सेंट्रोइड को आप इन छओ के मीन पे भेज दोगे जैसे इन छे का मीन इस जगह पे था तो मैंने इसको उठा करके बहुत छोटा सा शिफ्टिंग हुआ है ध्यान दो समझ में में आ जाएगा यहाँ पे लास्ट वाले क्लस्टर में अगर आप देखो तो इन तीनों का जो मीन वैल्यू था वो इस जगह पे था और क्लस्टर जो हमारा सेंट्रोइड था ये शुरू में यहाँ पे था तो आप इसको हल्का सा शिफ्ट देके के यहाँ पे ले आए ठीक है ऐसा आप सभी के साथ करते हो नाउ सेंटर आपका सेंट्रोइड सारे शिफ्ट हो गए तो आप फिर से क्या करते हो स्टेप वन रिपीट करते हो स्टेप वन के हिसाब से क्या करते हो आप फिर से हर पॉइंट का हर पॉइंट का हर सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो ठीक है और फिर डिसाइड करते हो कि हर पॉइंट कौन से क्लस्टर में जाएगा और फिर से पूरे क्लस्टर्स रीअसाइन होते हैं फिर से आप मीन पर सेंट्रोइड को भेजते हो और ऐसा आप तब तक करते जाते हो जब पिछले स्टेप और करंट स्टेप में कोई डिफरेंस नहीं आता अगर आपको ये पूरा एल्गोरिजम समझ में नहीं आया

दैट्स इट यही तीन टेक्निक्स होती हैं अब अगर आप बात करो कि कैसे इंप्लीमेंट करना है इस पूरी चीज को तो आपको खुद कुछ भी नहीं करना है आपके पास साइकिट लर्न है साइकिट लर्न में एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं के बिन्स डिस्क्रेटाइजर आपको बस इस क्लास को कॉल करना होता है यहाँ पे तीन पैरामीटर्स आपको बताने होते हैं पहला आपका नंबर ऑफ बिन्स क्या होंगे दूसरा आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा स्ट्रैटेजी में तीन वैल्यूज होती हैं यूनिफॉर्म क्वांटाइल और के मीन्स तीनों टेक्निक्स के लिए और जो थर्ड चीज होती है वो होता है एनकोडिंग मतलब जब आप जब आप कन्वर्ट कर देते हो मतलब आप एनकोड कर देते हो डिस्क्रीट वेरिएबल में तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिलता है जैसे यहां पे देखो 43 के बदले 5 आ गया क्योंकि ये फिफ्थ इंटरवल में जाके गिरा फिफ्थ बिन में जाके गिरा तो वो बस आपको बताना होता है कि ये जो एनकोडिंग होगा ये कैसे होगा तो यहां पर आपको बस दो दो ऑप्शन मिलते हैं पहला ऑप्शन होता है ऑर्डिनल मतलब अगर आपको लगता है कि ऑर्डर में एक वैल्यू होगा कैटेगोरिकल uh, डेटा में देर इज अ ऑर्डरिंग तो आप ऑर्डिनल यूज करते हो अदरवाइज वन हॉट एनकोडिंग यूज करते हो ठीक तो or है तो जनरली ऑर्डिनल ही रहता है मैं आपको जल्दी से इसका डॉक्यूमेंटेशन uh, दिखा देता हूँ सी so, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन नंबर ऑफ बिन्स एनकोड और स्ट्रेटजी यही तीन वैल्यूज हैं जिनको आप हैंडल करते हो दैट्स इट यहाँ पे और कुछ खास नहीं है ठीक है तो अब मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर हम फिर से टाइटेनिक वाला डेटा सेट यूज करेंगे और वहां पे ऑब्वियसली मैं सबसेट ऑफ कॉलम्स लूंगा सारे कॉलम्स नहीं लूंगा और मैं आपको विदाउट बिनिंग और विध बिनिंग प्रोडिक्शन करके दिखाऊंगा और देखना कुछ जगहों पे आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा ऑल दो ये डेटा सेट बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है बिनिंग करने के लिए बट करके देखते हैं ठीक है so, तो मैंने एक नोटबुक ऑलरेडी बना रखा है और मैं उसी को यूज करने वाला हूँ तो ये हमारे सारे सारे के सारे इम्पोर्ट्स हैं यहाँ पे पी एल टी एज ए मेट्रॉट लेर आया, यहां पे train test split आया decision tree classifier है क्योंकि मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ एक्यूरेसी स्कोर निकालने के लिए क्रॉस वैल स्कोर क्रॉस वैलिडेशन के लिए ये रहा मेरा मेन क्लास के बिन्स डिस्क्रिटाइजर प्री प्रोसेसिंग में मिलता है आपको और कॉलम ट्रांसफॉर्मर इससे आप अब तक आई गेस एकदम कंफर्टेबल हो गए होंगे गए so, सो अब सबसे पहले क्या किया मैंने ट्रेन डॉट सी एस पी को इम्पोर्ट किया और मैं सिर्फ इन तीन कॉलम्स पे काम करूंगा एज फेयर सरवाइव और नॉट फाउंड एरर सो कुछ पाथ का इशू हो गया था uh, मैंने फोल्डर का नाम चेंज कर दिया था और uh, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया सो so इसलिए एरर आ रहा था एनी वेज इग्नोर कोड बिल्कुल सेम है और uh, मैंने ये तीन कॉलम्स यूज किए हमें पहले से पता है कि एज में मिसिंग वैल्यूज हैं तो मैंने जितनी भी मिसिंग वैल्यूज वाले रो थे ड्रॉप कर दिया ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए प्रॉब्लम क्योंकि और ये रहा मेरा करेंट डेटा फ्रेम ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा पहले आपको दिखाऊंगा विदाउट अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ बिनिंग मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है ठीक है तो एक्स और वाई को एक्सट्रैक्ट किया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा ये सब कुछ समझाने का नहीं है तो मैं नहीं समझा रहा हूँ ये रहा मेरा एक्स ट्रेन एज और फेयर कॉलम है इसके अंदर उसके बाद मैंने सी एल एफ बोलकर एक ऑब्जेक्ट बनाया डिसीजन ट्री क्लासीफायर का मॉडल को ट्रेन किया एक्स टेस्ट के ऊपर फिट करके सॉरी प्रिडिक करके वाई वाइप्रेट कैलकुलेट किया और फिर एक्यूरेसी स्कोर निकाला जो कि 62.9 आ रहा है उट अपलाइंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन माई न्यूमेरिकल कॉलम्स आई एम गेटिंग ऑफ सिक्सेंट ठीक है अब मैं जल्दी से क्रॉस चेक कर लेता हूं यूजिंग -well तो उसी अराउंड है उसी अराउंड आ रहा है कुछ खास डिफरेंस नहीं है uh, अब हम क्या कर रहे हैं हम अपना अप्लाई कर रहे हैं डिस्क्रिटाइजर ठीक है सो मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए के बिन एज बोल के और के बिन फेयर बोल के तो पहले वाले में एक्चुअली दोनों का वैल्यू मैंने सेम रखा है uh, आप चाहो तो एक स्टेप में भी कर सकते थे मैंने नहीं किया मैंने दो अलग स्टेप्स में किया सो दैट फ्यूचर में आपको अगर पहले वाले में uh, पहले वाले में के मीन्स लगाना हो दूसरे वाले में यूनिफॉर्म लगाना हो तो आप कर पाओ इस तरीके का ठीक है तो एक काम करते हैं सबसे शुरू में हम लोग यूनिफॉर्म लगाते हैं ठीक है या फिर सबसे पहले मैं आपको क्वांटाइल दिखाता हूं क्वांटाइल हमारा पहला स्ट्रैटेजी है और व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक टेन बस ठीक है तो ये मेरा आ, मैंने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट अब मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर बनाया कॉलम ट्रांसफॉर्मर में मैंने आ, दो कॉलम ट्रांसफॉर्मर मतलब एक ही कॉलम ट्रांसफॉर्मर में दो स्टेप डाले पहला स्टेप का नाम है फर्स्ट और इसमें मैंने केबिन एज को भेजा और यहाँ पर मैंने इंडेक्स दे दिया मेरे कॉलम का और एक्सट्रेन uh, में एज मेरा पहला कॉलम है तो इसका इंडेक्स जीरो होगा और सिमिलरली सेकेंड नाम का स्टेप बनाया जिसमें केबिन फेयर भेजा और यहाँ पे वन डाल दिया ठीक है तो ये मेरा कॉलम ट्रांसफॉर्मर है और ये स्टेप में मैंने ट्रांसफॉर्म किया एक्स ट्रेन को और फिर ट्रांसफॉर्म किया एक्स टेस्ट को और इन दो वेरिएबल्स में डाल दिया ठीक है अब इस स्टेप पे आप क्या कर सकते हो आप थोड़ा सा देख सकते हो अगर आप टी आर एफ डॉट नेम्ड ट्रांसफॉर्मर लिखो तो आपको अपने दोनों ट्रांसफॉर्मर मिल जाएंगे फर्स्ट और सेकेंड अब लेट्स से मुझे फर्स्ट वाले में देखना है कि क्या चल रहा है तो मैंने फर्स्ट लिखा ये रहा और यहाँ पे अगर मैं डॉट मारूं और यहां पर अगर आप देखो तो एक अपने पास एट्रीब्यूट है एन बिन्स आप ये चला के देख सकते हो एन अंडर स्कोर बिन्स अंडर स्कोर और यह देखो टेन बिन्स क्रिएट हुए ठीक है सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट के बदले सेकेंड वाले स्टेप में चेक करता तो टेन वैल्यूज क्रिएट हुए ठीक है आप चाहो तो ये भी देख सकते हो कि बिन क्या है बेसिकली वो रेंज क्या है जिसमें बिन क्रिएट हुआ है आप ये भी कर सकते हो आपको बस क्या करना पड़ेगा इस एट्रीब्यूट को कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे आप डाल दोगे और ये रहेगा इस ये रहा अपना पहला इंटरवल जीरो सेवन पॉइंट सेवन फाइव हम फेयर कॉलम का बात कर रहे हैं और उसके बाद सेवन पॉइंट सेवन फाइव से सेवन पॉइंट एट नाइन और हाँ क्योंकि हमने क्वांटाइल यूज किया ना तो यूनिफॉर्म विथ्ठ नहीं आएगा और 7.89 से 9.225 अगर आप से पे फर्स्ट लिखो तो ये एज कॉलम के ऊपर आ जाएगा और ये देखो 0.42 से 14 ये हमारा पहला क्वांटाइल रेंज है जहां पे 10 परसेंटाइल वैल्यूज लाई कर रही है टेन परसेंट वैल्यूज लाई कर रही है पॉइंट uh, फोर से नाइनटीन के बीच में ट्वेंटी परसेंटाइल वैल्यूज लाई कर रही है ठीक है सो ये आप चला के देख सकते हो और अब मैंने क्या किया मैंने एक डेटा फ्रेम फॉर्म किया ये कोड आप बाद में समझ लेना देख करके कुछ खास कोड नहीं है इसका आउटपुट देखने लायक है ये रहा इसका आउटपुट गाइस इसी का कटआउट मैंने आपको वीडियो में शुरू में दिखाया था ये देखो एज इनिशियली ऐसा दिखता था अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऐसा दिखता है ठीक है सिमिलरली फेयर ऐसा दिखता था ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऐसा दिख रहा है डिस्क्रीट वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया और अगर आप एज के लेबल की बात करो तो नाइन जो आ रहा है वो इस रेंज में आ रहा है एट जो आ रहा है वो भी इस रेंज में आ रहा है दिस इज वियड क्यों आ रहा है इस रेंज में पता नहीं फोर जो आ रहा है वो इस रेंज में आ रहा है टू जो आ रहा है वो इस रेंज में आ रहा है ओके जस्ट देखना पड़ेगा एक बार क्या हुआ यहाँ पे बट या कोड में कुछ गलती लिखा हुआ आई सी दैट बट या आप इसको विजुलाइज़ कर सकते हो कि आपका रेंज क्या है ये डेटा फ्रेम मैंने इसलिए बनाया अब मैं क्या कर रहा हूँ uh, अब मैं फिर से प्रोडिक्शन कर रहा हूँ एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड के ऊपर और फिर से एक स्कोर निकालूंगा और uh, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ एक्चुअली वट वी कैन डू इज वी कैन डू इज बढ़ा दें अगर ये वैल्यूज और लेट्स सी अभी क्या होता है हम्म देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपका बढ़ गया के चला गया फिफ्टीन करने पे तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ पैरामीटर्स आपको थोड़े से चेक करने पड़ेंगे ये पहले से आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने पे सही रिजल्ट आएगा थोड़ा समझ में आ सकता है अगर आप डेटा को प्लॉट करके देखो हमने किया नहीं वो और अगर आप क्रॉस वैल स्कोर निकालो तो क्रॉस वैल स्कोर तो उतना ही आ रहा है वैसे बट या आप ट्राई करके देखना Uh, मैंने क्या कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए एक फंक्शन बना दिया है डिस्क्रेटाइज बोल के इसमें आपको बस दो चीजें बतानी है नंबर ऑफ बिन्स और स्ट्रैटेजी ये पलट करके क्या करेगा ये आपको एक्यूरेसी कैलकुलेट करके दे देगा और आपको ग्राफ्स भी प्लॉट करके दिखाएगा तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ uh, मैं इस कोड को एक बार रन कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिटाइज में क्वांटाइल भेजा सबसे पहले और ये देखो गाइस क्वांटाइल करने पे परसेंट के अराउंड अपना एक्यूरेसी आ रहा है और ये देखो ये है अपना एज कॉलम ये अपना एज का डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर एनी ट्रांसफॉर्मेशन और अब देखो आफ्टर द क्वांटाइल बिनिंग ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन सी आपका यूनिफॉर्म हो गया है राइट आपका स्प्रेड यूनिफॉर्म हो गया जैसा कि करता है आपका क्वांटाइल बिनिंग ठीक है सिमिलरली अगर आप फेयर का बात करो तो फेयर तो बहुत ही ज्यादा राइट right क्यूट था बट यू कैन सी आपका काफी यूनिफॉर्म हो गया ठीक है अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं आ, टेन रखते हुए यूनिफॉर्म वाला पहला वाला equal width यहां पे देखना आपका बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा सी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाई दे रहा है फेयर वाला भी ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाई दे रहा है ठीक है अगर आप देखो लेट्स से के मींस वाला के मींस तो अभी भी ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा मोर ऑलस बस वही है कि आपने क्लस्टर्स या इंटरवल्स थोड़े से कम बनाए ठीक है तो वॉट यू कैन डू इज जस्ट टेक अ डिफरेंट डेटा सेट और उसके ऊपर ये चीज अप्लाई करके देखो ये तो मैंने जबरदस्ती एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए ये डेटा सेट बना दिया ऐसा बट एक प्रॉपर डेटा सेट पे जाकर के अगर आप अप्लाई करोगे दर इज अ ग्रेट चांस कि आपको कुछ ना कुछ बढ़िया दिखाई देगा ठीक है तो या दैट्स इट दैट्स डिफिकटाइजेशन या वन लास्ट थिंग कस्टम या डोमेन बेस्ड बिनिंग किसको बोलते हैं सो so, अभी तक तो क्या हो रहा था कि हम तीनों में से कोई एक यूज कर रहे थे इक्वल विद इक्वल फ्रीक्वेंसी या फिर के मीन कभी कभी आप क्या करोगे कि आपको नॉलेज होगा डेटा का या आपको बिजनेस का नॉलेज होगा तो आप अपने हिसाब से भी बिनिंग कर सकते हो जैसे कि मान लो आप एक बिनिंग करते जीरो से लेके एटीन ईयर्स ये आपका एक इंटरवल है जिसमें आप जिसको आप किड्स बुलाते हैं एटीन से लेके फिफ्टी या सिक्सटी तक आप एक दूसरा कैटेगरी बना देते और सिक्सटी से जो भी आगे तक है उसको आप एक लास्ट कैटेगरी बना देते हैं तो ये जो आपने बनाया ये आपने अपने नॉलेज के हिसाब से बनाया आपको पता है कि 18 मतलब एडल्ट uh, ठीक है और 60 के ऊपर आपका रिटायरमेंट एज है बूढ़े लोग वहां पे होते हैं तो ये आपका डोमेन नॉलेज है तो आप कभी कभी क्या करते हो आप इसको यूज करते हो देन यूजिंग अ कस्टम सॉरी का वो तीन स्ट्रेटेजीज यू यूज योर ओन नॉलेज टू क्रिएट दीज ब ठीक है तो कभी-कभी ये भी काम आ जाता है अनफॉर्चूनेटली आप ये चीज साइकिट लर्न के थ्रू नहीं कर सकते आ, ये ऑप्शन नहीं मिलता है आपको इसके लिए पंडास में खुद से लॉजिक लिखना पड़ेगा सो कैन नॉट डू इट यूजिंग साइकिट लर्न ठीक है तो कस्टम डोमेन बेस्ड बिनिंग यही है कि अपने नॉलेज के हिसाब से बंस क्रिएट करना तो इसमें कुछ खास है नहीं पढ़ाने का ठीक है तो ये तो बात हो गई गाइस अबाउट डिस्क्रीटाइजेशन ये काफी डिस्कशन हमने कर लिया इसके ऊपर उट बाइनराइजेशन ठीक है तो बाइनराइजेशन क्या होता है इट्साइजेशन डिस्क्रिटाइजेशन में आप क्या करते हो एक कंटिन्यूस वैल्यू को आप क्या करते हो आप एक कंटिन्यूस वैल्यू को एक न्यूमेरिकल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो जीरो या वन जैसे कि एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप कि मान लो आपके पास एनुअल इनकम है ठीक है अब आपका एनुअल इनकम अगर सिक्स लाख से कम है तो आप टैक्सेबल जोन में नहीं हो मतलब जीरो अगर ज्यादा है तो आप टैक्सेबल जोन में हो तो वन तो यहाँ पे आपने क्या किया आपने अपने इनकम को इस बाइनरी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया टैक्सेबल और नॉट तो इसी को बोलते हैं बाइनराइजेशन कभी कभी कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये काम आ जाता है जैसे इसका एक बहुत बढ़िया यूज केस है इमेज प्रोसेसिंग सो इमेज प्रोसेसिंग में आपके पास पिक्सल्स होते हैं जिनका वैल्यू जीरो से टू फिफ्टी फाइव होता है कलर इमेजेस ठीक है अब आपको अगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो आप जीरो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रख लेते हो वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव इससे नीचे अगर पिक्सल का वैल्यू तो आप उसको जीरो कर देते हो मतलब ब्लैक कर देते हो और इससे ऊपर होता तो आप उसको वन कर देते हो मतलब व्हाइट कर देते हो तो ये जो पिक्सल आपके ये जो इमेज आपके पास था कलर्ड इमेज वो अब क्या बन गया वो ब्लैक एंड वाइट इमेज बन गया ठीक है तो बहुत ही आ, नीश काइंड ऑफ टेक्निक है ये बहुत स्पेसिफिक जगहों पे ही आपको काम आता है जबरदस्ती के लिए मैंने आपको एक कोड दिखाना है अभी आ, मैंने बनाया अभी यहाँ पे में बाइनराइजर बोल के क्लास होता है आप इस क्लास को यूज करते हो इसमें बस आपको दो इनपुट देने होते हैं थ्रेशोल्ड जैसे उस लास्ट वाले एग्जाम्पल में वन थ्रेश होल्ड उसके नीचे सब जीरो सैलरी so कॉलम के ऊपर बाइनराइजर लगाओगे और आपका कॉपी का वैल्यू ट्रू है तो ये एक नया कॉलम बना देगा ठीक है और अगर इसका वैल्यू फॉल्स है तो ये सैलरी वाले में ही चेंजेस कर देगा यही दो पैरामीटर्स होते हैं इस क्लास में और बहुत ही सिंपल सी चीज है मैं आपको जल्दी से एक चीज दिखाता हूं मैंने एक कोड इसके लिए प्रिपेयर कर रखा है Uh, इस बार वही टाइटैनिक वाला डेटा सेट पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि अब आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़िया हो गया होगा तो so यहाँ पे मैंने एज फेयर सिबलिंग पेरेंट चाइल्ड और सरवाइव्ड कॉलम्स ले लिए ठीक है और फिर से एज वाली सारी वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया ये ना मेरा डी एफ डॉट हेड ठीक है तो अब ये है मेरा डेटा सेट अब मैंने इसमें क्या किया सिबलिंग स्पाउस और पेरेंट चाइल्ड को जोड़ दिया और फैमिली बोल दिया उसको ठीक है ये देखो और अब अगर मैंने इसको रन किया तो यू कैन सी कि अब मेरे पास एक और एक्स्ट्रा कॉलम है फैमिली बोल के जहां पे इन दोनों का सम है ठीक है और फिर मुझे स्पाउस और पेरेंट चाइल्ड की जरूरत नहीं थी तो मैंने इन दोनों कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया और ये करने के बाद अब मेरा डेटा सेट ऐसा दिखाई देता है सो ये मेरा आउटपुट कॉलम है बाकी तीनों मेरे इनपुट कॉलम्स हैं जस्ट मैं एज और फेयर के ऊपर कुछ भी नहीं करने वाला मैं सारा काम फैमिली के ऊपर करने वाला हूँ ठीक है तो अब मुझे क्या करना है सबसे पहले मैंने एक्स और वाई निकाल लिया

अकेले ट्रैवल कर रहा है या नहीं कोई भी पैसेंजर अकेले ट्रैवल कर रहा है कि नहीं ठीक है तो अगर फैमिली का वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब बंदा अकेले ट्रैवल कर रहा है अगर फैमिली का वैल्यू जीरो से ज्यादा है मतलब उसके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो मेरा जो ये फैमिली कॉलम है इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं इनटू अ न्यू कॉलम ट्रैवलिंग अलोन सो जीरो मतलब नहीं कर रहा है हाँ कर रहा है वन का मतलब नहीं कर रहा है ठीक है सो अब बस क्या करना है हमें Uh, हमें बस इतना करना है कि मैंने एक ट्रांसफॉर्मर बना लिया बाइनराइजर यहाँ पे मैं आपको एक बार ये क्लास दिखा देता हूँ दिस इज द क्लास थ्रेश होल्ड ऑलरेडी जीरो है तो मुझे कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है कॉपी ट्रू था तो मैंने कॉपी फॉल्स कर दिया बिकॉज मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंजेस चाहिए फैमिली वाले कॉलम में चेंजेस चाहिए तो ये रहा मेरा पूरा सेटअप बाकी के कॉलम्स को पास थ्रू कर दिया और ट्रांसफॉर्म मार दिया और ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये देखो गाइस सो so, पहला वाला वन आ रहा है सो इसका मतलब जो पहला पैसेंजर था वो किसी के साथ ट्रेवल कर रहा है ही इज नॉट अलोन और ये जो चौथा पैसेंजर है ये बंदा अकेले ट्रेवल कर रहा है ये बंदा ठीक है तो बस बाइंड्री में कन्वर्ट कर दिया और फिर से ऑल लगाया तो एक्चुअली थ्री uh, के अराउंड आ रहा है कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ मतलब

और यूसेज uh, तो बहुत ईजी है आपने देख ही लिया हो सके तो एक बार कोर्स डाउनलोड करके ट्राई कर, कर लेना ठीक है सो या दैट्स वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय